नमस्कार, ये मुस्कुराहट के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अस्थमा पेशेंट हूँ और अभी मुस्कुरा रहा हूँ, आपको भी मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। लेकिन आपको ये भी जरूर कहना चाहता हूँ कि बहुत लंबा समय मैंने उदासी में गुजारा है और आप जान सकते हैं कि अस्थमा जैसी बीमारी आदमी को कई बार इतनी उदासियां दे देती है कि ऐसा लगता है कि यार ये ईश्वर ने हमारे साथ अन्याय क्यों किया। और मैं एक चीज और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अस्थमा का जो मरीज होता है वो अपनी तकलीफ से तो परेशान होता ही होता है, लोग उसे और ज्यादा परेशान कर देते हैं। इतनी कम उम्र में बीमारी, अस्थमा तो बड़ी खतरनाक बीमारी है, दमा तो दम के साथ जाता है, आप तो दौड़ नहीं पाएंगे, आप खिलाड़ी कभी हो नहीं सकते, आप गाना गा नहीं सकते, आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते। तो इतने सारे सवालों से घिर जाता था कि मैं सोचता था कि यार करना क्या। कई डॉक्टर से मिलता था, उनसे पूछता था कि साहब इतने बड़े डॉक्टर हैं और विज्ञान इतनी तरक्की कर रहा है तो अस्थमा के लिए आप कुछ क्यों करते नहीं, और अगर कुछ हो रहा है तो हमें बताइए। कई बार ये होता था कि डॉक्टर इतने व्यस्त होते थे कि वो बता ही नहीं पाते थे कि दरअसल हो क्या रहा है। तो मुझे ऐसा लगता था कि सब मन समझाने की बातें हैं। डॉक्टर जाफरी से जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने भी, चूंकि अखबार का आदमी हूँ, सवाल करने में डरता नहीं हूँ, तो मैंने उनसे भी कई किस्म के सवाल किए कि सब बताइए आप तो कि मैं जी पाऊंगा कि नहीं, या जल्दी मर जाऊंगा, या क्या, मुझे क्लियर बताइए। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संसार की कई ऐसी बेहतरीन नेमतें, खाने की चीजें, फल है और मिठाइयां है और आइसक्रीम है, इनको देख देख के तरसता रहता था। ऐसा लगता था कि मैं इसका फोटो बना लूं, चित्रकार हूं तो, और देख लूं और मन समझा लूं। तो मैं कभी नहीं खाता था। एक बहुत खूबसूरत सा किस्सा बताता हूं मैं आपको कि डॉक्टर जाफरी के साथ ही इतनी बातचीत तो हो गई थी कि मेरी दोस्ती भी हो गई थी उनसे। तो एक शादी में हम लोग साथ में थे, डॉक्टर जाफरी कहने लगे चलो आओ आइसक्रीम खाते हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको पता है कि मैं कौन हूँ, अस्थमा का पेशेंट हूँ, आइसक्रीम मैं खाऊंगा क्या? तो बोले भैया डॉक्टर मैं हूँ क्या आप हैं? मैं जब कह रहा हूँ कि आइसक्रीम खाना है तो खाना है। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मरीज आप नहीं है, तकलीफ जो होती है ना वो हमको होती है। जब हम हाफते हैं ना तो वो आप तो कह दोगे कि वो ले लेना, ये ले लेना, बेटनेस और ले लेना वगैरह वगैरह, तो आपको तो पता नहीं हमको एक एक क्षण कितना भारी होता है ये हम जानते हैं। बोले भाई आज तो ये शर्त है कि आपको आइसक्रीम खानी होगी। वो तो जिद पकड़ ली उन्होंने। तो मैंने केवल त्याग के लिए कि डॉक्टर को कौन नाराज करे भैया, और मैंने जाके वो बड़े बेमन से वो आइसक्रीम खाई। बोले एक और खाना पड़ेगा आपको। मैंने बोला ये जुल्म करने पर उतर गया। फिर मैंने दूसरी आइसक्रीम खाई। डॉक्टर साहब ने ये किया कि मेरी वाइफ को उन्होंने एक नंबर दिया कि अगर लहरी जी को रात को तकलीफ हो जाए 2 बजे 3 बजे तो मुझे फोन करना, मैं वादा करता हूँ कि मैं घर आऊंगा। मैं घर गया और